ग्लोबल ईस्पोर्ट्स में हैरान वो इसी बीच टीम हैदराबाद हाइड्रास उनके बीच में ग्लोबल ईस्पोर्ट थोड़े से फंसते हुए नजर आए। दोनों ही टीम्स एक बेटर स्पॉट की तलाश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं टीम 8 बिट की, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। जूसी उनको डाउन किया जाएगा, मोक्ष उनको भी इंस्टेंटली खत्म किया जाएगा और निंजा बॉय वो रहेंगे जिनके खाते में फिनिश जाता हुआ। वहीं जूसी उनका जो उनको काफी सारे के अंदर जरूर रास्ते में वहां जाना चाहते हैं और ऐसे में मौजूद थी जहां से वो पूरा गेम प्लट रन लेने हैं, बट उससे पहले इस फाइट को जीतना है जितनी जल्दी हो सके। यहां पे इस फाइट को अंजाम देना, अभी इंतजार कर रहे हैं वो सही मूवमेंट का इंतजार करते हुए। थोड़ा डैमेज उन्होंने लिया जरूर है, आगे जाएंगे शॉट का कनेक्शन जी नहीं, और डीबीएस वर्सेस डीबीएस का ये परफेक्ट जो हमें कॉम्बैट है वो देखने को मिलता है। और राइजन उनको टेक डाउन किया जाएगा और आरटीजीएक्स आईएनडी उन्होंने फाइनल ये देखने को मिल जाएंगे और उसके बाद पीछे से ब्लू जोन का डैमेज ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। बट अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा खुश अगर कोई टीम रहने वाली है तो वो रहेगी टीम आईकुसोल। पिछले मुकाबले में वो मोमेंटम उनके पास आया, कॉन्फिडेंस उनके पास आया, जाने वाला है। मुझे लगता है हैदराबाद हाइड्रास के पास भी पूरा एडवांटेज रहेगा क्योंकि जितने भी लोग पानी से आएंगे वहां पे अगर स्पॉट किया गया तो मल्टीपल फिनिशेस निकालने का चांस रहेगा उनके पास। वही गैलेक्सी जो प्लेयर बचे हुए थे उनको भी खत्म किया गया। आप देखिए आरटीजीएक्स आईएनडी 5 फ्रैग्स उनके पास हैं। आईकुसोल ने बम्पर्स की आवाज आई उनके पास अटैक करने की, बहुत बारी यहाँ पे गैलेक्सी के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर थवा बोला ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने और बहुत आसानी से उनको भी खत्म किया गया। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स के पास भी जोन का एडवांटेज है लेकिन कहीं ना कहीं भाई सेवन शोर थोड़ी बहुत मुश्किलें उनकी बड़ी है। रिवाइवल एग्जीक्यूट करना पड़ेगा हैदराबाद हाइड्रास के खिलाड़ी थे जिन्होंने नॉक निकाला और वो फिनिश भी सिक्योर करने की कोशिश करने वाले। अभी तक कोई भी स्मोक किया नहीं करते, फाइनली वो स्मोक भी आएगा और रिवाइवल वो भी एग्जीक्यूट किया जाएगा। प्लेयर को डैमेज बहुत दिया, हंटर्स मवी को खत्म भी कर देंगे। रेकनिंग दोनों ही टीम्स बहुत खतरनाक है गन गेम के मामले में अगर देखा जाए और दोनों के बीच की ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। जी हां, और हमने शुरुआत से ही चर्चाएं करी है टीम 8 बिट की वो सर्कल के अंदर किस प्रकार से जाने वाले। अभी एक स्मोक की बात करें, स्लग को फिनिश ऑफ किया जाएगा। बीच की बात करें वो भी डाउन है, काफी इंटरेस्टिंग फाइट जो हमें ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की देखने को मिल रही है। और निंजा बॉय इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग है KS12 के उनके पास। एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन किया जरूर पर वाइपर वो रहेंगे जो वाइप आउट करेंगे ग्लोबल ईस्पोर्ट्स को। क्रॉस की मैप ब्रेक, बेहतरीन स्प्रे। आरटीजीएक्स आईएनडी ने मुझे लगता है फिनिशेस तो बहुत निकाले बट उनके पास अब वो नंबर्स गेम एडवांटेज है नहीं और जोन के अंदर पहुंचना यहां से काफी मुश्किल। जी हां, बट टीम वोल्टेक्स जिन्होंने वो अर्ली अपनी रोटेशन दिखाई थी तो ऊपर से टीम है जो आपको देख सकती है, आसान तो बिल्कुल होगा नहीं। उधर रेकनिंग उन्होंने भी यहां पे धावा बोला है, आप देखिए तो सही, डर नामक चीज ही नहीं है इनके डिक्शनरी के अंदर। सीधा उन्होंने पुश करा इस कंपाउंड के ऊपर। एक तरफ आई कुसोल टीम रेकनिंग फंसती हुई नजर आएगी और ऐसे में वोल्टेक्स वो बिल्कुल भी गलतियां करेंगे नहीं। हर्टर्स को डाउन किया गया वाइपर, वो एक लौते खिलाड़ी जो सर्वाइव करेंगे और उनको भी टेक डाउन किया गया। ग्रेविटी जॉर्ड वो ऑलरेडी हील बैटल कर रहे थे और यही वो कारण भी कि दो खिलाड़ियों ने डायरेक्टली स्लैमिंग कर दिया सर्कल के अंदर। 19 फर्स्ट किट्स उनके पास अभी भी मौजूद रहने वाली है और देखना ये कि वहां से वो कितने अंक निकाल पाएंगे। बट टीम इनसेन, चलिए कम से कम इस मुकाबले में वो प्लेसमेंट के अंक लेकर के जाने की एक प्रोबेबिलिटी जरूर बनती है। सेवन शोर की बात करें, पिछला मुकाबला बहुत ज्यादा बेहतरीन पर इस मुकाबले में वो इंपैक्ट डाल नहीं पाए, फिनिशेज भी उनके पास जाएंगे नहीं। बट अब टीम वोल्टेक्स उनको अगर सर्कल के अंदर जाना है तो वो साइडलाइंस उनको क्लियर करनी पड़ेगी और वसीस्ता ईस्पोर्ट्स वो उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार। जी हाँ, बट मैं वोल्टेक्स को देखना चाहूंगा, अब नंबर्स गेम का एडवांटेज नहीं है उनके पास, सिर्फ वही प्लेयर्स बचे हैं और TSW के बचे हुए प्लेयर्स वो आना चाहते हैं इस कंपाउंड के ऊपर। मानना पड़ेगा टीम आईकुसोल के पास अब पूरा जोन का एडवांटेज है, हायर ग्राउंड है, फिनिशेस वो वहां से निकाल रहे हैं। ऑलरेडी उनके पास 6 फिनिशेस आ चुके हैं और एंकी ज्यादा फाइट भी नहीं करी उन्होंने, बस ऊपर से फिनिशेस निकाले हैं एंड दैट इज जस्ट अमेजिंग। बट वोल्टेक्स अभी भी सवाल, क्या वो जोन के अंदर पहुंच पाएंगे? बिकॉज जैसे ही वो इस कंपाउंड के बाहर आएंगे रेडार में तो वो भी आएंगे आईकुसोल के। जी हाँ, मुश्किलें उनकी बढ़ जरूर सकती है और साथ ही साथ वसिस्ता ईस्पोर्ट्स वो भी उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए पूरी तरीके से तैयार। बट इसी बीच इन्फर्नो स्क्वाड की बात करें वो भी यहाँ पर अपना जो वजूद है वो निकालते हुए एक नॉक वहां पे निकाला गया। देखना ये कि फिनिश क्या वो भी उनके खाते में जाएगा और आईकुसोल देखिए ऊपर वाला सब देख रहा है और ऊपर से आईकुसोल वो एडवांटेज को पूरी तरीके से अपने खाते में लेके जाएंगे। 7 फिनिशेस उनके पास हो चुके हैं, ये चिकन डिनर भी उनके पास ही जाता हुआ नजर आ रहा है। बस सवाल यही कि कितने और फिनिशेस वो यहां से निकाल सकते हैं। बस इस टाइप स्पोर्ट्स उनके MJ जो हील बैटल करते हुए नजर आएंगे बट वहां पे वो डाउन किए गए। TSW दो खिलाड़ी जो एजेस पे मौजूद हैं और इसी बीच रेज गॉड जो व्हीकल लेके सर्कल के अंदर आ चुके हैं और वहीं पर बैठे हुए, देखता है कि क्या उन्होंने वोल्टेक्स को स्पॉट कर दिया। एक को स्पॉट करेंगे, डाउन करेंगे और रेज गॉड ये पहला फिनिश अपनी टीम के लिए निकालते हुए। बट TSW साइड लाइन से उन्होंने उनको स्पॉट किया और उनका भी खात्मा। अच्छा मुकाबला TSW के लिए, 6 फ्लैग्स उनके पास ऑलरेडी बट अभी भी जोन में जाना बाकी है। आईकुसोल मुझे लगता है कि चिकन कौन निकालेगा इधर इनसेन, उनको भी स्पॉट किया गया। चलिए 7वां फ्राग यहां पे आया TSW के खाते में। वोल्टेक्स के पास मौका है, अगर जोन आखिरी वाला नीचे बनता है आईकुसोल के प्लेयर्स को नीचे आना पड़ेगा। सवाल ये बनेगा कि गाड़ी उनके पास, बट अभी के लिए तो वो रुक ही नहीं रहे, उतने फ्राग्स वो निकाल चुके हैं उस हायर ग्राउंड एडवांटेज से। 7 उनके पास, 8वां वहां पे नॉक है, वो भी कंफर्म कर सकते हैं काफी जल्दी। चलिए कंफर्म किया उन्होंने 8 फ्राग्स ऑलरेडी, बस सवाल यही है क्या नीचे आ पाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए मुझे BMPS का वो फाइनल्स का मुकाबला याद आता है जहाँ पे ऐसा ही कुछ सर्कल बना था और फिर वो 3 खिलाड़ी जिन्होंने वो जंप ऑफ डेथ ली थी और
वो फिनिश होते हुए नजर आए थे। I'm pretty sure कि वो सेम चीज यहाँ पर रिपीट होती हुई नजर नहीं आएगी। रेकनिंग के ग्रेविटी की बात करें, वो हील बैटल अभी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। THW उनके भी मात्र एक ही खिलाड़ी जो हील बैटल करेंगे, तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये जो फाइनल फाइट है वो टीम IQ Soul वर्सेस Voltex की जरूर रहने वाली है। बट सवाल वही कि Voltex उनके पास कितने डाउन करने का मौका है, वो फिनिश निकाल सकते हैं वहां पे? जी हाँ, वहां पे निकाला भी गया। मैं बस देख रहा था कि क्या उनकी पोजीशन रिवील्ड आउट हुई थी मान्या के द्वारा जब उन्होंने जंप किया। जी हाँ, उन्होंने देखा वहां पे एनिमीज अहेड ऑलरेडी मार्क किया जा चुका है। एक और फिनिश आप सोचिए कि Cyrex वो दिला के गए अपनी टीम को। रॉनी की बात करें, वो भी जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवमेंट अब इस मुकाबले का हो चुका है। हालांकि जो व्हीकल है वो भी मौजूद है, और मैं इसी चीज की चर्चा कर भी रहा था कि व्हीकल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है नीचे उतरने के लिए। ग्रेविटी जॉर्ड वो अपनी टीम को 5 इंपॉर्टेंट प्लेसमेंट के अंक दिला के गए, और टीम IQ Soul उनके पास अब कोई भी दूसरा रास्ता बचेगा नहीं। पोजिशनिंग रिवील्ड है Cyrex की, और उनको टेक डाउन किया जाएगा। और टीम IQ Soul पिछले मुकाबले में जो बिजनेस अनफिनिश्ड रह गया था वो फिनिश करते हुए नजर आएंगे, एक मेजर कमबैक करते हुए टीम IQ Soul, और ये मुकाबला चिकन डिनर के साथ। चलिए, ऑलरेडी हमने कहा था कि आज का दिन है डे ऑफ कमबैक, IQ Soul का कमबैक यहां पे आ चुका है। रेकनिंग बहुत बेहतर खेल के गई इस मुकाबले के अंदर, और इवन Voltex के पास वो पोजीशन के अब तो कम से कम है। Cyrex ने जो एफर्ट दिखाया आखिरी में कंपाउंड से यहां पे